नमस्कार दोस्तों, भारत से जुड़ी इंटरनेशनल खबरों की इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कुछ इम्पोर्टेंट हाईलाइट खबरों की बात करें तो बांग्लादेश के घटनाक्रम के कारण भारत के अन्य पड़ोसी देशों में भी उथल पुथल देखने को मिल रही है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच में हालात वैसे भी ठीक नहीं चल रहे हैं। लेकिन इसी बीच बांग्लादेश के बिगड़ते इन हालातों का फायदा चीन उठाने की कोशिश कर रहा है, जिससे भारत की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि एक तरफ जहां शेख हसीना अभी भी भारत में ही रुकी हुई है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के रूप में मोहम्मद यूनुस को चुना गया है और जल्द ही वह पीएम पद पर शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बांग्लादेश के हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि बांग्लादेश जिस तरीके से भारत को चेतावनी दे रहा है और बांग्लादेशी हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है, इससे भारत की तरफ से भी बांग्लादेश को अल्टीमेटम दिया जा चुका है और भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह भी पावर में आ चुके हैं और उन्होंने बांग्लादेश की इन हरकतों पर रोक लगाने के लिए एक नई एडवाइजरी जारी कर दी है। इसके अलावा ये भी खबर निकल कर आ रही है कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका भारत की छोटी मोटी बातों पर दखल करता रहता है, वही अमेरिका बांग्लादेश की इन हरकतों पर पूरी तरह से चुप बैठा है और वह बांग्लादेश और भारत के बीच इन हालातों के मजे उठा रहा है। आज की इस वीडियो में भारत और बांग्लादेश से जुड़ी इंटरनेशनल खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे। बांग्लादेश में जिस तरीके की परिस्थितियों दिन पर दिन बनती जा रही है, इससे यह बात साफ होती जा रही है कि बांग्लादेशियों का असली निशाना शेख हसीना नहीं बल्कि भारत है। सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए जो कि आज ही निकाल कर आ रही है और इसमें बताया जा रहा है कि अब तक लगभग 232 हिंदुओं को जिहादियों के द्वारा अपनी जान गंवानी पड़ी है। ये डाटा 5 अगस्त से लेकर अब तक का है, जब से शेख हसीना जी अपने प्राइम मिनिस्टर पद से इस्तीफा देकर भारत में आए हैं और जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है, यहाँ पर बांग्लादेश की पुलिस, सरकार और सेना पूरी तरह से शांत है। और यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि इस तरीके की घटनाएं घटित होते हुए लगभग एक हफ्ते हो रहे हैं, लेकिन इसराइल को छोड़ दिया जाए तो अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देश आंखों पर पट्टी बांधे हुए चुप बैठे हैं। भारत की हर राजनीतियों पर दखल करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका भी चुप है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन भी चुप बैठा है। यहाँ तक 27 अमीर देश का समूह माना जाने वाला यूरोपियन यूनियन आंख बंद किए चुप बैठा हुआ है। और इसी बीच चीन बांग्लादेश को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा है ताकि वहां पर चीन अपना पकड़ बना पाए और भारत के बगल पड़ोसी देश में आकर अपना व्यापार भी बढ़े और साथ ही भारत में बांग्लादेश के इलाके से घुसपैठ करना भी आसान है। और दूसरी ओर पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश को दूसरा दुश्मन देश घोषित किया जा चुका है और जिस पाकिस्तान के संबंध बांग्लादेश के साथ बिगड़े हुए हैं, इस पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बांग्लादेश के प्रति पाकिस्तान सरकार और लोगों के समर्थन को व्यक्त किया। बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान को पूरा भरोसा है कि बांग्लादेशी लोगों की सही भावना और एकता उन्हें एक अच्छे भविष्य की ओर ले जाएगी। यानी कि जिस समय बांग्लादेश में जिहादियों के द्वारा अल्पसंख्यकों के घरों को लूटा जा रहा है और उन्हें मारपीट कर मंदिरों को जलाया जा रहा है, वहां पर पाकिस्तान बांग्लादेश के लोगों द्वारा किए गए काम को और उनकी सरकार को बहुत बढ़िया बता रहा है। आपको बता दें कि बांग्लादेश की टोटल पॉपुलेशन में से लगभग 8% हिंदू रहते हैं। 9 अगस्त को 700 से ज्यादा बांग्लादेशी उत्तर बंगाल के कुछ बिहार जिले में शीतलकत सीमा पर भारत में प्रवेश की मांग को लेकर इकट्ठा हो गए थे, जो आसपास के इलाके से नहीं थे बल्कि 300 से 400 किलोमीटर की दर से बसों में सवार होकर आए थे, जिनमें 1,30,00,000 हिंदुओं की आबादी बसी हुई है। और दुनिया भर में बांग्लादेश ऐसा तीसरा देश है जहां पर सबसे ज्यादा हिंदुओं की आबादी रहती है। और खबर निकल कर आ रही है कि अब तक लगभग 400 प्रॉपर्टी और 20 से 25 मंदिर जो कि हिंदू धर्म और अल्पसंख्यकों से रिलेटेड है उन पर तोड़फोड़ मचाई जा चुकी है और कुछ में आग लगा दिया गया है। फिलहाल अब अपनी भारत के सर से ऊपर जा चुका है और भारत भी एक्शन मोड में आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हाल ही में खबर आ रही है कि यूनियन होम मिनिस्टर की तरफ से बांग्लादेश के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऐलान किया जा चुका है
और भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि उनके द्वारा भारत की BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ मिलकर 5 मेंबर की कमेटी का गठन कर दिया गया है, जिसमें बांग्लादेश के अधिकारियों के साथ बातचीत करके BSF के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सदस्य समिति का नेतृत्व किया जाएगा और बांग्लादेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों और हिंदुओं के साथ साथ अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जाएगी। इसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जो हिंदुओं पर और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है उसे पर भारतीय सेवा रोक लगाएगी, क्योंकि हाल ही में जब भारत की सरकारी एजेंसियों ने शुरुआत में जांच किया तो यह पाया गया कि बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ कोई बड़ा हमला नहीं हुआ है, क्योंकि यहां पर BSF मौजूद थी और भारत की तरफ से हाई अलर्ट जारी किया गया था, इसलिए बांग्लादेश के लोगों पर यहां कोई हमला नहीं कर रहे हैं। और रिपोर्ट की माने तो अब तक ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिसमें पश्चिम बंगाल के बॉर्डर की तरफ से बंगाल के लोगों ने भारत में घुसने की कोशिश की, लेकिन BSF के द्वारा भीड़ को शांत करके इन्हें वापस लौटाया गया। और 9 अगस्त को 700 से ज्यादा बांग्लादेशी उत्तर बंगाल के कुछ बिहार जिले में शीतलकट सीमा पर भारत में प्रवेश की मांग को लेकर इकट्ठा हो गए थे, जो आसपास के इलाके से नहीं थे बल्कि 300 से 400 किलोमीटर की दर से बसों में सवार होकर आए थे। आपको बता दें कि बांग्लादेश की 496 किलोमीटर की लंबी सीमा भारत से जुड़ी हुई है और यहां पर भारत की सेवा हाई अलर्ट पर है और किसी भी प्रकार की चूक नहीं की जा रही है, यानी कि भले ही चीन और पाकिस्तान बांग्लादेश को भड़का रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी भारत बांग्लादेश का माहौल शांत करने में जुटा हुआ है और भारत के व्यापारियों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि शेख हसीना जब से भारत में आई तो उसे समय हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके थे कि भारत और बांग्लादेश के बीच सामानों का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गया था, जिससे भारत के एक्सपोर्ट बुरी तरीके से फंस गए थे, लेकिन अब कुछ हद तक भारतीय मैन्युफैक्चरर अपने सामानों को बांग्लादेश में एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। इसकी जानकारी महाराष्ट्र के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केट के अधिकारियों द्वारा निकाल कर आ रही है और बताया जा रहा है कि प्यास से लड़े लगभग 17 ट्रक जो पिछले कई दिनों से खड़े हुए थे उन्हें दोनों पक्षों की मंजूरी मिलने के बाद पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश में प्रवेश करने लगे हैं, जिनमें से कुछ ट्रक भेजे जा चुके हैं और कुछ जा रहे हैं। यहां पर जब भारत की तरफ से बांग्लादेश में प्याज का एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा था तो इससे बांग्लादेश के लोग भी काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि बांग्लादेश हर साल लगभग 80,000 टन प्याज भारत से खरीदना है, जो कि देखा जाए तो भारत से दुनिया में प्याज का सबसे बड़ा खरीददार है। यहां तक कि भारत के अलावा किसी दूसरे देश से प्याज को बांग्लादेश खरीद भी नहीं सकता है। फिलहाल बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार की तरफ से भारत के लिए चेतावनी अभी भी जारी है। बाकी आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश और भारत के बीच के संबंध दोबारा से ठीक होने वाले हैं या नहीं? हमारे वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके, और हमारे चैनल रैपिड ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर सेलेक्ट करें। 25 मंदिर जो कि हिंदू धर्म और अल्पसंख्यक